माशाल्लाह आप देख सकते हो यार, बच्चे निकल आ चुके हैं बाहर। इस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी है यार। ये देख सकते हो, एक छोटा बच्चा, मैं जूम करके दिखाऊंगा, क्लियर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो ये क्या कर रहा है। देखो सर्दी नहीं, इसको सर्दी भी नहीं लग रही है यार, बदमाश को यार। तो ये है अल्लाह की रहमत यार, अल्लाह की रहमत ये है, अल्लाह की रहमत बड़ी है यार, कसम से यार, सीरियसली। तो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये नदी है, इसमें पानी नहीं था चार दिन पहले। तो ये बतख दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्लियर दिखाऊंगा मैं। ये बतख देख रहे हो आप, ये नहीं उतरते थे इसमें यार, क्योंकि इसमें बदबू जमा हो चुकी थी यार, बहुत ही ज्यादा बदबू। तो इस टाइम का सीन आप चेक कर सकते हो यार, ऊपर में दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये देख सकते हो आप, माशाल्लाह यार, अभी अभी स्टार्ट हो चुकी है बर्फ, बट हैवी स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम। तो ऊपर की तरफ भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये इस टाइम कश्मीर का सीन। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, और कोई इश्यू नहीं है, आप इस वीडियो को अपलोड करके अपनी आईडी पर अपलोड कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ना कोई कॉपीराइट मैं दूंगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई होते हैं जो बाहर के रहने वाले होते हैं, तो वो भी तमाना करते हैं कि हम भी स्नो का मजा उठाए यार। तो वो देख सकते हैं इस टाइम, इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं अपने आईडी के ऊपर। ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे बच्चों, ओए ओए ओ, इधर आ जा, इधर इधर आ जा। ये देख सकते हो आप, ओए ओ इधर आ जा, ओए छोटू इधर आ जा। ये देख सकते हो आप छोटू, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ये क्या कर रहा है ये बदमाश। इसको सर्दी ही नहीं लगती यार, किसी को भी सर्दी नहीं लगती है। वो क्या कर रहे हो बाहर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हो? तो देख सकते हो आप दोस्तों, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, ये बंदे, ये छोटा बच्चा आप देख सकते हो यार, सिर्फ बर्फ को कैच कर रहा है यार, देख सकते हो आप, ये पागल हो चुके हैं। क्योंकि यार ये पहली बार हो चुका है कश्मीर में कि विंटर में बर्फ ही नहीं पड़ रही थी, आज बर्फ आ चुकी है, तो बच्चे पागल हो गए हैं यार बर्फ को देखकर। तो खुश देख सकते हो आप कितने हो रहे हैं बच्चे, देख सकते हो आप ये खुशी कितना कर रहे हैं यार, खुश कितने हो रहे हैं यार। देख सकते हो आप उस नदी में कितना पानी आ चुका है। तो माशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत है, देख सकते हो आप। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, और मेरा जिम भी यहाँ पे देख सकते हो, अभी बर्फ की चादर के नीचे जा रहा है, और मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आप लोगों को मेरा ये छोटा सा एक हाउस, ये भी अभी ढक जाएगा बर्फ से। तो मेरी गाड़ी के ऊपर भी बर्फ जमा होने लगी है। आज हम इंशाल्लाह ऑफ रोडिंग का वीडियो भी बनाएंगे और ट्रैक्टर का भी वीडियो बनाएंगे, तो दिखाएंगे आप लोगों को आज ट्रैक्टर की पावर, क्योंकि आज ले जाएंगे हम बंगस रोड के ऊपर ट्रैक्टर को, और वहां पे आप लोगों को स्टैंड सब कुछ दिखाएंगे। तो फिलहाल बर्फ जमा हो जाएगी, तो फिलहाल हम इन ये छोटे बच्चों को इस टाइम वीडियो कर रहे हैं, ताकि देख सकते हो यार कितना एंजॉय कर रहे हैं। मेरे गेट के सामने आ चुके हैं, मैं जूम आउट करता हूं, तो देख सकते हो आप ये मेरे गेट के सामने आ चुके हैं यार, एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम यार ये बंदे बर्फ में, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा हैवी हो रहा है। तो देख सकते हो, ऊपर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ये देख सकते हो आप, सब बड़े छोटे बच्चे निकल चुके हैं यार बाहर, और देख सकते हो आप इस टाइम फोटोग्राफी क्या चल रही है यार, कसम से यार सब खुश हो रहे हैं यार। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि सब एंजॉय में लगे हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र कहीं ना कहीं कोई नहीं कर रहा है यार। बट मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अल्लाह ने फिर से कश्मीर को खूबसूरती की ओर धकेला है अपनी इस सफ़ेद बर्फ की चादर से और अपनी इस रहमत से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फिलहाल आप आज दिखाएंगे आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, और गाड़ी भी निकालेंगे, देखेंगे क्या टाटा पंच जाएगी ऊपर, क्योंकि हमारा जो मेन रोड है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो गाड़ी को ऊपर लेकर जाना है, देखेंगे हम क्या गाड़ी ऊपर जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।